सवाल ये पूछा गया है कि अगर कोई छोटा बच्चा जो जिना से पैदा हुआ हो, अगर वो मर जाए बचपन में ही, तो क्या क़यामत के दिन वो भी अपने वालदैन का शफी होगा, उन्हें जन्नत में लेके जाएगा, जैसा कि आता है कि मोमिनों को जो बच्चे बचपन में फौत हो जाएं तो वो अपने वालदैन की शिफात करेंगे, या कच्चे बच्चे सिख के बारे में आता है कि वो अपने बाप और माँ को जन्नत में ले जाएंगे, तो क्या जिना से पैदा होने वाला बच्चा भी ऐसा ही अपने वालदैन के बारे में करेगा? तो उसका जवाब ये कि पहली बात तो ये कि अल्लाह हर एक को जिना से बचाए, इस बदी वाले काम से, बुरे काम से अल्लाह इंसान को महफूज रखे, इंसान हलाल औलाद हर एक को अता फरमाए, और हलाल बच्चे ही यौमे क़यामत जाके अपने वालदैन की शिफात करेंगे, और ये शिफात उन्हें वालदैन को बतौर इनाम की दी जाएगी कि वो सदमे से दो चार हुए थे, उन्हें बड़ी तकलीफ़ हुई थी कि उनका दिल का करार जो है वो बचपन में फौत हो गया, तो अल्लाह जैसे बैतुल हमद भी आता है या और जो है वो बच्चे शिफात करेंगे, तो ये उम्मीद रखना कि जना से पैदा होने वाला बच्चा भी करेगा तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि शरण तो पहले जना वाले बच्चे का नसब बाप के लिए साबित नहीं, हदीसे पाक में आता है बच्चे का नसब सैब फराश यानी बिस्तर सैब निकाह की तरफ ही जाएगा, दूसरे की तरफ नहीं जाएगा, अगर कोई औरत गलत काम भी करती है और बच्चा पैदा हो जाए तो वो बाप निकाह वाले की तरफ ही जाएगा, तो जब उसका नसब ही साबित नहीं है, शरीयत ने माना ही नहीं है जानी के लिए, तो फिर शिफात का तसव्वुर भी नहीं। एक दूसरी बात यह है कि ये अकीदा रखना कि मेरे जना से नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक अलयाज़ुबिल्लाह जो पैदा होगा बच्चा वो शिफात करेगा, ये जसारत दर जसारत है कि एक जना और फिर दूसरा उससे शिफात की उम्मीद, ये अल्लाह के कवानीन को मजाक बनाने वाली बात है, और अल्लाह के साथ ये भूंडी किस्म की हरकत है जिसको कती तौर पर वो बर्दाश्त नहीं करेगा, तो लिहाजा ऐसा अकीदा ही नहीं रखना चाहिए, ऐसे ही है जैसे हराम के पैसे से आप सदका खैरात करें और फिर उसके ऊपर अजर की उम्मीद रखें। हाँ, अगर आपको पता है कि ये पैसा हराम का और मैं सदका कर रहा हूँ तो बाज़ औक़ात कुफर की तरफ चला जाता है, तो लिहाजा ऐसा कोई अकीदा और ऐसा कोई नज़रिया ना रखना चाहिए, ना ही ये बात साबित है।